तो कल रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा इंजन ऑयल चेक करूं कितना है कि नहीं। तो कल शाम इंजन ऑयल पूरा बिलो लेवल से नीचे चल गया था, तो मैं हो गया शॉक, क्या करूं। खैर, मेरे पास एक्स्ट्रा इंजन ऑयल था तो मैंने टॉप अप कर लिया है। इसको अभी लेवल देखते हैं, कम से कम अराउंड 1/2 लीटर जैसे कुछ था मोबिल मेरे पास। तो अभी तो मोबिल ठीक लेवल तक आ गया है, जैसे हाई और लो का लेवल है, तो अभी विद इन द रेंज है। देखते हैं, अब इंजन ऑयल तो रिफिल हो गया है, टॉप अप हो गया है। अब ये रॉकर्स में इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं, वही बात चेक करते हैं। तो रॉकर का नट ढीला करने के लिए मुझे चाहिए होगा 15 mm का ओपन हेड स्पैनर। तो स्टार्ट करके देखते हैं। एग्जॉस्ट में तो ऑयल आ रहा है, बट थोड़ा सा फ्लो हैम्पर हो रहा है। लेफ्ट साइड में देखते हैं, एग्जॉस्ट वाले रॉकर साइड एंड इनलेट साइड, ये इनलेट का रॉकर हो गया और ये एग्जॉस्ट का रॉकर। दोनों साइड इंजन ऑयल आ रहा है बट थोड़ा सा स्लो कम है, तो ठीक है। इसका तो अभी तो मैं रिसेंटली तो दोनों रॉकर्स में ऑयल तो आ रहा है बट थोड़ा सा कम आ रहा है। एंड रिसेंटली अभी मैं ट्रिप पे जाकर आया हूँ, तो मेजर सर्विस ड्यू है। तो खैर, देखते हैं कुछ दिन, एक आध दिन देखते हैं कैसे इंजन ऑयल जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इंजन ऑयल मेरा लेवल ड्रॉप होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली और कुछ इश्यूज होगा, एंड अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। बट इवन देन मुझे इंजन ऑयल तो चेंज करना ही है, बिकॉज इंजन ऑयल तो थर्ड ये हो गया था। चलिए, लेट्स वेट एंड वॉच कि फाइनल आउटकम मेरा क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है।